अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो कृपया आगे ना पढ़ें। अगर आप हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी ना। भाई अपना रास्ता रोक रही है, ध्यान से ध्यान से। भाई ये अपना रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है, फाइनली हमें कुछ है। ओ भाई 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 इस जगह में दिखा था भाई। ओ भाई भाई है ना, थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है सर, बिल्डिंग पूरी नई पेंटिंग बढ़िया बन पड़ी है ना। हाँ आराम से थोड़ा कीचड़ वीचड़ हो रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डोर ऑफ डेथ में। और अब सभी भाइयों की इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। फिर से आपका भाई लेके आए मोस्ट हॉन्टेड बिल्डिंग। अब चाहे ये मोड हो पूरा बिल्कुल नई कंडीशन में, बिल्कुल चलता हुआ काम पेंडिंग रहने की वजह वो मैं आपको एक पहले बता दूं कि इसका पेंडिंग रहने की वजह क्या है। वो दोस्तों आप बिजनेसमैन मान सकते हो या अदरवाइज। भाई दूर से इधर कुछ हुआ, इधर आ गया। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ये क्या चीज है? ये लिफ्ट पॉइंट। ये लिफ्ट क्या है दोस्तों? किसी बिजनेसमैन ने ये मोल या जो भी आप बोल सकते हो होटल वगैरह कुछ भी ये काम चालू करा, जिसने भी उसका अधूरा रह जाने की वजह हमने बाहर पता करी। भाई पीछे यार इसमें कुछ गिर रहा है यार। ऊपर देखो, ऊपर 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 जल्दी करो। भाई आराम से ना, ये लिफ्ट के वगैरह ये कुछ खुले पड़े। भाई इसी के अंदर गया था कुछ। कोई कोई सामने भाई, पीछे पीछे भाई, वो गायब हो गया भाई, वो गायब हो गया। भक्ति हो जल्दी से भाई, आगे लो आगे लो। भाई मतलब एकदम आंखों के सामने गायब हो गया यार। वो तो मैं आपको बता दूं कि यहां जो हमने बाहर होटल में बात करी तो मतलब उन्होंने जो बताया उससे मेरी रूह कांप गई। उसी समय भाई चारों तरफ से एक्टिविटी हो रही है यार। ओ भाई ओ भाई भाई पीछे पीछे भाई पीछे जा। ये अपने अभी आगे पीछे चल रही है भाई, वो गायब हो गया वहां से। ऊपर 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 आओ जल्दी भाई। तो यहाँ पे हुई थी किसी मजदूर की मौत, और मौत थी बहुत ही दर्दनाक कि जिसके बारे में मतलब जब हमने सुना मौत तो फ्लोर फोर्थ पे वो काम कर रहा था मजदूर, जो आप एमपी बिहार यूपी कहीं के बता सकते हैं अपन किसी भी सुधार सकते। उसकी मौत का रीजन वो जो सेफ्टी बेल्ट होता है वो उसने लगा रखा था किसी सरिये के ऊपर, वो काम कर रहा था आरसीसी का,
उस दौरान बेल्ट स्लिप हो जाने की वजह से वो नीचे गिरा। पूरा जो नीचे शरीयत है पिल्लर में, जो आप सोते आर सी के जो काम में आते हैं, अपने गेम वगैरह जो बनाते हैं उसमें जो काम में आते हैं शरीयत, भाई उस पिल्लर में, मतलब वो एक पिल्लर थे जिसमें सरिये बाहर निकले थे, पूरे सरिये उसके वहां लग गए थे और बहुत खतरनाक दर्दनाक मौत थी उस बंदे की। बहुत खतरनाक दर्दनाक मौत थी जिसके कारण इस बिल्डिंग का काम, पूरे नई बिल्डिंग का काम बंद करना पड़ा। तो अब ये जो इटे देख पा रहे हो कि बिल्कुल नई कंडीशन में, और एक बड़ी सीमेंट देख के अंदाजा लगा लो आप कि ज्यादा पुरानी बिल्डिंग नहीं है ये, मात्र अभी एक वर्ष पूरे 12 महीने कंप्लीट हुए उसको बंद हुई हुए। भाई आगे बता दो भाई, कुछ अजीब सा फील हो रहा है ना। बिल्कुल यार, भाई चारों तरफ से मूवमेंट हो रहा है यार। भाई अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना, ठीक है? सेफ्टी करवा देना। हाँ भाई, ये अपना रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है, फाइनली यहाँ पे कुछ है। सही बताया तो होटल वाले ने आप रात को विजिट नहीं कर पाओगे ये लोकेशन, जस्ट भाई इसी जगह थी वो। आराम से भाई, देखो आप जो भी कोई हो, हमें आपके बारे में सारा सब कुछ पता करा हमने, आप हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे। सिर्फ हम ये क्लियर करने आए कि आपकी मौत किस वजह से, किस कारण हुई। भाई जो दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था मुझे एक बार क्लियर कर दूं, पर भैया मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आप सरिया देख पा रहे हो इसी जगह वो काम कर रहा था मजदूर, यहाँ से नीचे गिरने की वजह से जो ये सरिये, अब जो ये सरिये देख पा रहे हो ये उसके पैर में, उसके शरीर में बहुत बुरे तरीके से लग गए थे इस वजह से, मतलब इसे कॉन्टैक्ट घोषित करार दे दिया गया और इसकी मौत की उसकी आत्माएं यहाँ मंडराने की वजह और रीजन सिर्फ यही है कि उसकी जी दर्दनाक मोबाइल, उसकी जी बहुत खतरनाक दर्दनाक मौत। भाई दोस्तों आज जिस भी मालिक ने इसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च करे हैं, भाई वो साहब है भाई, ओ भाई 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 ये रास्ता नहीं है भाई, ये नहीं रास्ता भाई, वो बराबर से अपने को फॉलो करिए, वो अपन गायब हो गई बात नहीं हुई सिर्फ एक बार। अगर आप कोई भी हो यहाँ पे, आप हमें अगर इसका जवाब दे सकते हो भाई, बराबर से एक्टिविटी हो रही है चारों तरफ भाई, बराबर से एक्टिविटी हो रही है चारों तरफ। दोस्तों मजबूरन उस मालिक को, जो भी बिल्डर जो भी कुछ था इस चीज का, इस बिल्डिंग का ओनर, उसे मजबूरन इसी कारण बंद करके जाना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे जो काम के जो लेबर होते हैं उनकी कुछ जो झोपड़ियां इसी बिल्डिंग में थी, जो दिन को काम करके रात में ही सोते थे, और उनके आसपास में ये व्हाइट शेडो बहुत ही बुरे तरीके से मंडराने लग गया। और क्या है भैया यार, ज्यादा टूटना गलत तो नहीं बताया अपने यहाँ पे, वही तो पीछे चलते हैं। और तरफ से बहुत बुरी एक्टिविटी हो रही है यार भाई, अगर ये सेफ्टी अपने साथ नहीं होना आज
तो ये अपने को नुकसान पहुंचा सकती है मतलब बहुत बड़े तरीके से। ये जो शायद उसके होंगे जो गन लेके आ रहे हैं वो होंगे। आवाज वो तो आवाज क्लियर कैप्चर हो गई। आप बिल्कुल आपको कहीं भी किसी भी जगह कोई शेडो दिखाई दे कमेंट में जरूर बताना यार दोस्तों, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम ऐसे इतनी मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन विजिट कर पाते हैं। पीछे ये चारों तरफ मंडरा रही है यार भाई। इसकी दर्दनाक मौत मतलब इसकी जो अकाल मृत्यु हुई थी ना, इसी की वजह से। तो दोस्तों मैं आपको चीज बता दूं कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि अपनी फैमिली परिवार के ऊपर मिस करते हुए रहते हैं, काम में बिजी रहते हैं बहुत सी बार, और घर पे अपनी छोटी मोटी शिकायतें चलती रहती है कि यार पापा बच्चों के लिए कुछ लेके आएंगे आएंगे और वो ना ले जाने इस तरफ से निकलो यहाँ से। तो इस वजह से वो आत्मा वही भटकती है और जब भाई आवाज आ रही है तो निकल कर आवाज आ रही है। एक बार पीछे पीछे का व्यू लो सारा भाई वो बेटी भाई भाई ये चीजें क्लियर हो रही कैमरे में। हाँ यार दोस्तों आप देख पा रहे हो बिल्कुल कैमरे में क्लियर कैप्चर हो रही है ये, और ये कैप्चर होने की वजह में मैंने आपको बताया कि मतलब एक दर्दनाक मौत बहुत बुरे तरीके से जो मतलब कि तड़प तड़प के मरना, और आप सोच सकते भाई वो गायब हो गई भाई। यहाँ से निकलो फटाफट से, फास्ट जल्दी भाई निकलो यहाँ से फटाफट से।